नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के एक ऐतिहासिक फैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम जो है अपने ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करेंगे। बिहार में ऐतिहासिक धरोहरों को लेकर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो 78% ऐसे धरोहर हैं जो कि धर्म से जुड़े हुए हैं। बता दें कि कई ऐसे धरोहर हैं जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। कई धार्मिक स्थलों के साथ ही कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जो कि खंडहर के रूप में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में इन ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षण करने का फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इसको लेकर एक पूरा काम कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार में ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए बिहार सरकार ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से एक तरह से कहने की बिहार में कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर और उसके जो है हो रहे कल्चरल एक्टिविटीज में खास करके अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं उसमें जो संरक्षण कैसे हम कर सकते हैं, इस विषय को लेकर जो है एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम कैसे अपने ऐतिहासिक धरोहरों को बचा सकते हैं। बता दें कि इस दौरान वहां NIDM के संतोष कुमार पहुंचे थे, जिन्होंने यह बताया कि बिहार के साथ साथ देश के 3 ऐसे राज्य हैं जिनके धरोहरों को हमें बचाना है, उनकी संस्कृति को बचाने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से भारत के साथ साथ विश्व के कई देशों में आपदा आई है, जिससे कि ऐतिहासिक धरोहरों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद भी बिहार सरकार ने अपने प्रदेश में ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने का कोई ठोस शुरुआत नहीं किया। अगर हम नेपाल की त्रासदी को देखें तो उसके बाद फिर उत्तराखंड के बद्रीनाथ में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा आई, उससे हमें अभी से ही संभलने की ज़रूरत है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में 300 से 400 ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा धार्मिक धरोहरें हैं और इनको जो है हमें संरक्षित करने की ज़रूरत है। ऐसे में बिहार सरकार अपने अतीत को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि हम अपने ऐतिहासिक संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, इस पर बल दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह पता चल पाएगा कि बिहार में कितनी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिसे बिहार सरकार का संरक्षण प्राप्त है और उसमें एक बार फिर से मेंटेनेंस किया जा सकेगा। बिहार आपदा प्रबंधन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत मिश्र ने बताया कि सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षण की आवश्यकता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि विक्रमशिला, भागलपुर के तिल्ला कोठी, राम भवन समेत अन्य धरोहरों को हम बचा सकते हैं। उन्होंने इन ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने को लेकर बोलते हुए यह भी कहा कि क्लाइमेट के साथ भवनों का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का द्वार गंगा नदी की तरफ खुलता है, जब यह गेट खुलता है तो ठंडा लगता है और जब बंद होता है तो गर्मी का एहसास होता है। बिहार में धरोहरों को बचाने को लेकर बोलते हुए PN राय ने बताया कि अगर बिहार में छोटी भी आपदा आई तो इससे बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें आपदे से पहले इसकी तैयारी कर लेने की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी संस्कृति को बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन एक आपदा आती है और फिर वह पूरी तरह से संस्कृति तबाह हो जाती है। इस दौरान बोलते हुए बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक सामग्रियों का भंडार है, ऐसे में हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यह भी बताया कि हमें सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को लेकर कोर्स शुरू करने की ज़रूरत है। इस दौरान उन्होंने यही बताया कि बिहार के सभ्यता द्वार बना है जो कि इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें कि हम अपने अतीत को झांक सकते हैं, लेकिन इसका संरक्षण करना हमें हमारी जो है सबसे अहम जिम्मेवारी है। तो ऐसे में बिहार सरकार एक तरह से कह लें कि ऐतिहासिक धरोहरों को और धार्मिक धरोहरों को, इन दोनों को जो है संरक्षण करने की बात कर रही है, ताकि हम अपने अतीत से रूबरू हो सके, जान सके, पहचान सके कि हमारा अतीत कैसा था और हमने कौन कौन से ऐसे कार्य हुए हैं जिस पे कि हमें आज भी गर्व करने की ज़रूरत है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।